मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। जो सभी लोगों की राय होगी हमारी राय होगी हमारी पार्टी की। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ दलित सेना के अध्यक्ष हैं, आज पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचने से पहले उनके समर्थक और लोजपा जो कि चिराग पासवान से अलग होकर के बनी है, वे उस लोजपा के कार्यकर्ता जो है लगातार तैयारी कर रहे थे। पूरे पटना को पोस्टरों से सजाया गया था। ये तब हुआ है जब आरसीपी सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वे पटना पहुंचे थे और उनके समर्थकों ने पूरा दमखम दिखाया था। इसके बाद पशुपति कुमार पारस जी भी पटना पहुंचे हैं। अपने समर्थकों से पहले ही कही थी उन्होंने कि वे पटना पहुंच रहे हैं तो उनके भव्य स्वागत की तैयारी की जाए। इसके बाद पटना पहुंचते ही पशुपति कुमार पारस जी ने चिराग पासवान की वापसी को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे थे, जो आपको बता दें कि कयास लग रहे थे, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनका धन्यवाद भी किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर के जो आपको बता दें नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ने संयुक्त रूप से मुलाकात की है, इस पर भी उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा है कि जो सभी का सर्वदलीय जो फैसला होगा वे उनकी पार्टी का भी जो है मत होगा। ये तमाम चीजें पशुपति कुमार पारस जी पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही कह रहे थे। तो आइए देखते हैं कि पशुपति कुमार पारस जी चिराग पासवान को लेकर के, साथ ही साथ चिराग पासवान की वापसी को लेकर के और पटना पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहुंचने पर क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति कुमार पारस जी। आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। बहुत पहली बार मैं आया हूं, इतना भव्य स्वागत हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और पहली बार जीत के जाने के बाद उन्होंने भारत सरकार के मंत्री का पद उनको दिया और हाजीपुर की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जनता को काफी आपसे उम्मीद है। हाँ, काफी उम्मीद है और मैं काफी काम भी करूँगा। जो मुझको विभाग मिला है मैं ईमानदारी से निष्ठापूर्वक मैं सेवा करूंगा और हाजीपुर की जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ। अभी मैं सीधे हाजीपुर जा रहा हूँ। जनगणना को लेकर कुछ बोलेंगे? जो सर्वदलीय फैसला मुलाकात हुई है, जो सभी लोगों की राय होगी हमारी भी राय होगी हमारी पार्टी की भी राय होगी। नीतीश कुमार ने बोला है कि प्रधानमंत्री ने सुना है सारी बातों को। ठीक ठीक, चलिए चलिए। चिराग पासवान से पूछो ना कहाँ दौरा कर रहा है, क्यों परेशान है, क्यों परेशान है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।